लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओंकार हूं। मानव यदि सुमार्ग का त्याग कर कुमार्ग पर चल पड़े तो मैं भी उसके मार्ग में पड़ा अदृश्य कांटा और खार हूं। पर सन्मार्ग पर चलने वालों के लिए मैं सदा उत्तम परिणाम रूपी उपहार हूं। मैं ओंकार हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के जयंती के साथ अज्ञातवास पर जाने का समाचार सुन प्रसन्न देवराज इंद्र जब देवगुरु बृहस्पति को अपनी योजना बताते हैं तो देवगुरु दुविधा में पड़ जाते हैं। शिवाज्ञा पाकर बृहस्पति शुक्राचार्य आश्रम में शुक्राचार्य बनकर पहुंचते हैं। भोलेनाथ का संकेत पाकर देवर्षि नारद असुरों को भ्रमित करने में सफल रहते हैं। दूसरी ओर शुक्राचार्य बने बृहस्पति भी हिंसक असुरों को शिव भक्ति का पाठ पढ़ाने में सफलता प्राप्त करते हैं। जय माता दिल्ली की, जय गुरु शुक्राचार्य की, जय शक्ति की, जय गुरु शुक्राचार्य की, जय गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की। असुर वीरो, तुम्हें सचमुच ही दुष्ट देवताओं एवं पाखंडी बृहस्पति ने छल करके भ्रमित कर दिया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम तुम्हें क्षमा करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। असुर शक्ति के उद्धारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं माता जयंती की जय। दैत्य शक्ति की जय। माता जयंती पवन देव, अब इन दुष्ट असुरों का दुष्चक्र पुनः प्रारंभ होगा। अब शुक्राचार्य इन्हें युद्ध का आदेश देंगे। मैंने आज से पूर्व असुरों को इतना उत्साहित कभी नहीं देखा है देवराज। पवन देव, ये उत्साह धूम्र तप से प्राप्त सिद्धियों का है। भगवान शिव ने इन्हें मृत संजीवनी के साथ साथ कई अन्य नई सिद्धियां भी प्रदान की हैं। वास्तविकता यह है कि शुक्राचार्य को प्राप्त मृत संजीवनी सिद्धि ही हम देवताओं की सबसे बड़ी शत्रु है। हाँ देवराज, मृत संजीवनी ही असुरों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है तथा बार बार जीवन प्राप्त कर युद्ध के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि शुक्राचार्य के रहते इन दुष्ट असुरों में मृत्यु का कोई भय नहीं है। किंतु अब ऐसा नहीं होगा देवराज। अर्थात स्वर कन्या आपकी पुत्री जयंती दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पत्नी बन गई है और अब वो उन्हें देवताओं से शत्रुता नहीं करने देगी। माता जयंती की जयंती, ये जय जयकार नहीं सुन रहे हैं आप? अब वो पूर्ण रूप से दैत्यनी बन गई है। मुझे तो उस पर तनिक भी विश्वास नहीं। अच्छा होता कि मैं उसके जन्मते ही उसका स्वयं वध कर देता। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, इस प्रकार क्षुब्ध होने से क्या प्राप्त होगा? देवर्षि, प्राप्त तो अब स्वयं देवता को ही करना होगा। कोई नया उपाय सोचकर। तब तो आप अपने गुरु बृहस्पति से परामर्श प्राप्त करें। देव गुरु बृहस्पति, इतने वर्षों तक व्यर्थ समय गवाकर वे असुरों को धर्म कर्म का पाठ पढ़ाते रहे, किंतु उससे लाभ क्या हुआ देवर्षि? क्या लाभ हुआ? नारायण नारायण। ना तो वे असुरों को धर्म समझा सके और ना ही वो शुक्राचार्य से कोई सिद्धि प्राप्त कर सके। उनसे परामर्श ले? नहीं नहीं देवर्षि, हमें उनसे कोई आशा नहीं। देवराज इंद्र, आप तनिक बुद्धि से काम लें। अर्थात यदि असुर के समान देवता भी मृत्यु भय से मुक्त हो जाएं, तो असुर आक्रमण करने से पूर्व असंख्य बार विचार करेंगे। देवराज, ये कैसे संभव होगा देवर्षि? बहुत ही साधारण सी बात है देवराज। साधारण सी बात? अब देवर्षि, कृपा कर पहले ना बुझाकर हमारी सहायता कर। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आज से पूर्व मैंने आपको इतना विनम्र कभी नहीं देखा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि संकट व्यक्ति को सत्य की अनुभूति करवा देता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें,
किंतु कृपा करिए मृत संजीवनी का मार्ग देवताओं को सुलभ करवा दे। इतनी साधारण सी बात आपके समझ में क्यों नहीं आ रही देवराज इंद्र? के स्वर्ग का कोई भी व्यक्ति यदि मृत संजीवनी की सिद्धि प्राप्त कर लेगा तो नारायण नारायण। आपका परामर्श बहुमूल्य है, परंतु ये संभव कैसे होगा? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अभी तक बृहस्पति पुत्र कच्छ की प्रतिभा को नहीं पहचान पाए। वो सभ्य शांत और मेधावी शिव भक्त है। वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है इसका अनुमान आप स्वयं नहीं लगा सकते। कच्छ? कच्छ? हाँ, युवा कच्छ। आप उनके पास ये सुझाव लेके जाएं और उनसे कहें कि स्वर्ग और स्वर्ग के देवताओं की सुरक्षा का भार अब उन पर है। तब आप देखें कि आप असुरों की चिंता से कैसे मुक्त हो जाते हैं। देवर्षि, कच्छ की स्वीकृति प्राप्त करने में आप ही हमारी सहायता करें। नारायण नारायण। नहीं वरुण देव, नहीं। मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य हूँ। गुरु अथवा गुरु पुत्र को शिष्य सुझाव दे ये उचित नहीं। ये कार्य तो आप सरलता से संपन्न कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? ये असंभव है। देव, मैं असंभव को संभव बनाने ही आपके पास आया। देवराज, ऐसी कठिन स्थिति में आप कच्छ को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेजने को कह रहे हैं? कठिन स्थिति? देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अहंकार देव गुरु से प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक हो रहा है। जब से देव गुरु शुक्राचार्य का रूप त्याग कर वापस आए हैं, तब से शुक्राचार्य की गतिविधि क्या आपसे छुपी है? ये कठिन स्थिति नहीं तो क्या है? ऐसे में कच्छ को भेजना उसकी मृत्यु को निमंत्रण देना है। मुझे इस प्रस्ताव पर आपकी स्वीकृति किसी भी मूल्य पर प्राप्त करनी है। स्वर्ग के लिए मृत संजीवनी अनिवार्य हो गई। देवराज, मृत संजीवनी विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कठोर तप एवं शिव कृपा से प्राप्त हुई। वो उसका ज्ञान किसी और को उपलब्ध नहीं करवाएंगे, अपने शत्रु पुत्र को तो कदापि नहीं। ये विचार आप मन से त्याग दें देवराज। देवगुरु, जो कार्य आप पूर्ण नहीं कर सके उस कार्य को आपको अपने पुत्र से पूर्ण करवाना ही होगा। ये मात्र हमारी प्रार्थना अथवा इच्छा नहीं, आदेश भी है। पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना पुत्र का कर्तव्य होता है देवराज। आपका आदेश पालन करके मैं अपना पितृ ऋण अवश्य पूर्ण करूंगा। अति उत्तम कच्छ। ये तुमने क्या किया कच्छ? पुत्र कच्छ, क्या तुम अपने आप को मृत्यु के मुंह में ढकेलने के इच्छुक हो? दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हारे पूज्य पिता को जन्मजात शत्रु है। पुत्र, वहां तुम्हें मृत संजीवनी विद्या तो क्या कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप दोनों के आशीर्वाद एवं भगवान शिव की कृपा से मैं ये असंभव कार्य संभव करके दिखाऊंगा। आप दोनों मेरे लिए चिंतित ना हो। तुम अपने संकल्प में सफल रहो पुत्र। तुम्हें मेरी आयु लग जाए पुत्र। देवर्षि, तुम जानते हो कच्छ, तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी सीखने के लिए भेजने का परामर्श मैंने ही देवराज इंद्र को दिया था। मैं जानता हूँ कि लोक कल्याण के जिस कार्य की प्रेरणा आपने दी थी उसका सौभाग्य मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता था। विजयी भव पुत्र, किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचने से पूर्व एक आवश्यक कार्य करो। आज्ञा करे देवर्षि। यहाँ से सर्वप्रथम कैलाश जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनसे सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें, तब तुम्हें संकट का कोई भय नहीं रहेगा। मैं इस समय यही सोच रहा था देवर्षि,
कि पहले मैं कहां जाऊं? आपने मेरा पथ प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रणाम देवर्षि। तुम जैसे सीधे सरल और सदाचारी भक्त को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। 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 धैर्य, इससे आगे आप नहीं जा सकते। परंतु क्यों? क्योंकि हम आपसे परिचित नहीं हैं। कौन हैं आप? मैं आप ही की भांति शिव भक्त हूँ। मेरा नाम कच्छ है। कच्छ? पहले तो ये नाम कभी नहीं सुना था। मुझे लगता है ये नाम किसी मायावी का है। मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। कृपा करके मुझ पर संदेह ना करें। मुझे भगवान भोलेनाथ के समीप जाने दें। नहीं, हम तुम्हें बिना शिव इच्छा के स्वामी के पास नहीं जाने देंगे। जगत पालक श्री हरि विष्णु के द्वार पर तो जय विजय नामक द्वारपाल रहते हैं, ये मैंने सुना था। किंतु भोलेनाथ के द्वार पर द्वारपाल पहली बार देख रहा हूँ। हम द्वारपाल नहीं हैं, शिवगण हैं। शिवगण इस संसार के समस्त प्राणी शिवगण ही हैं मित्र, क्योंकि उन सब का जन्म शिव इच्छा से हुआ है। मैं भी तो शिवगण हूँ। अपने आप को शिवगण बताने का दुस्साहस न कर मायावी। शिवगण होना कोई साधारण बात नहीं है। शिवगण होना इस संसार का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। किंतु आप एक भक्त को उसके भगवान के दर्शन से नहीं रोक सकते हैं। नमः शिवाय। शांत हो जाओ शिवगणों, शांत हो जाओ। देवर्षि नारद, ये मायावी बिना शिव इच्छा के कैलाश पहुँच गया। नारायण नारायण। बिना शिव इच्छा के कोई कैलाश पर पहुँच जाए ये संभव ही नहीं शिवगणों। किंतु तारकासुर, गजासुर, सिंदूरासुर। नारायण नारायण। वो सब शिव लीला थी शिवगणों, शिव लीला। ये भगवान भोलेनाथ के परम भक्त और देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ है। इस समय तुम्हारे अतिथि बनकर यहाँ आए। आओ हम सब आदर और सम्मान के साथ इन्हें भगवान भोलेनाथ के समीप ले जाएं। ओम नमः शिवाय। पधारिए। ओम नमः शिवाय। 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 कच्छ तो आपका परम भक्त है, फिर उसके आने पर ऐसी शिवलीला क्यों रचती भोलेनाथ? ये शिवलीला नहीं नारद, शिव परीक्षा है। शिव परीक्षा? नारायण नारायण। हाँ नारद, बृहस्पति पुत्र कच्छ लोक कल्याण की जिस महान यात्रा पर जा रहे हैं उसमें अनेक विघ्नों की संभावना है। यही कारण है कि हमने कच्छ की विनम्रता की परीक्षा ली। तो क्या कच्छ आपकी परीक्षा में सफल हुआ? यदि असफल हुआ होता तो क्या हमारे सम्मुख खड़ा होता? नारायण नारायण। अंतर्यामी चराचरपति महादेव, मुझे गुरु भक्ति साहस एवं सिद्धि प्राप्त करने योग्य आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने कर्तव्य पथ पर विचलित ना हो पाऊं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है कच्छ, किंतु ध्यान रहे कि तुम नीति नियम संयम और सदाचार पर दृढ़ रहना। किसी भी प्रलोभन अथवा निजी स्वार्थ की भावना को उत्पन्न न होने देना। मैं आपकी आज्ञा का पूर्णतया पालन करूंगा देवाधिदेव। प्रेम सहानुभूति सम्मान सक्रिय वचन त्याग की भाव और मधुर वाणी से हमारे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही नहीं हर एक को अपना बनाया जा सकता है कच्छ। किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए
उसके विश्वास पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। आपके आशीर्वाद और देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से ऐसा ही होगा भोलेनाथ। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी लोकप्रियता मौखिक न रहकर समाज के हृदय में मधुर स्थान सुरक्षित करेगी। भोलेनाथ, आपने मुझ जैसे तुच्छ अज्ञानी पर कृपा करके जो सफलता का महान रहस्य बताया है, मैं संकल्प करता हूं कि सदा सदा उसका पालन करूंगा। नारायण नारायण। हम जानते हैं ना, तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया। हाँ भोलेनाथ, कृपया आप मुझे बताएं कि देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी प्राप्त करने में सफल होगा अथवा नहीं। कच्छ जैसे विनम्र और सदाचारी के लिए असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। परंतु परंतु क्या भोलेनाथ? इस परंतु का उत्तर भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दो। ये फूल कितने सुंदर है ना। हाँ, हम इनकी माला गुथेंगे आज। आज वन में अधिक समय देते हैं। दशरी आजकल यज्ञ हवन आदि छोड़कर रात दिन शिव आराधना में लीन रहते हैं, इसका क्या कारण है? पुत्री, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारे पिताश्री ही दे सकते हैं। शिवभक्त सिद्धि साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम यही है ना? हाँ, क्या मैं अपरिचित अतिथि का परिचय प्राप्त कर सकती हूँ? परिचय तो आपको शीघ्र ही मिल जाएगा देवी। मेरी इच्छा है कि सर्वप्रथम अपना परिचय मैं गुरुदेव को ही बताऊँ। मैं गुरुदेव की पुत्री हूँ। आश्रम में प्रवेश देने से पहले आपके विषय में सब कुछ जान लेना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको आपके कर्तव्य से भी विमुक्त नहीं कर सकता हूं, किंतु पति पुत्र कच्छ यहाँ